आई थिंक ये तो बंगाल की लोमड़ी है, ये बंगाली चली गई है, नहीं बैठी है वो कहीं भी दिखी एरिया में, तो बंगाल चली गई है, बंगाल वाले चिड़ियाघर में देखना भी चल। हाय गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस आज नेहा और मैं काफ़ी दिनों बाद इकट्ठे घूमने आए हैं नेशनल जूलॉजिकल पार्क, जो है दिल्ली में प्रगति मैदान के पास। और अगर आपको यहाँ आना है तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है खान मार्केट और लैंडमार्क प्रगति मैदान है। तो चलो चलते हैं, बाकी दूर से आप देख सकते हो भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, बट देखते हैं फिर भी चलेंगे। और बाकी ये देखो ये पार्किंग बना रखी है, पार्किंग काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे, पार्किंग चार्जेज है 50 रुपीज़ में आप गाड़ी पार्क कर सकते हो और जूलॉजिकल के मज़े ले सकते हो। तो चलो चलते हैं और यहाँ की एंट्री टिकट भी आपको आगे चल के बताएंगे आगे। तो गाइज हमें पूरा आधा घंटा लग गया टिकट बुक करने में, क्योंकि यहाँ पे काउंटर वगैरह तो है नहीं, आपको ऑनलाइन बुक करनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पे आओ ना तो मेन नेशनल जूलॉजिकल पार्क की वेबसाइट पे जाना, वहाँ पे टिकट बुक करना। और वहाँ पे एक दिक्कत और है, वहाँ पे भी आप सिर्फ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से कर सकते हो बुक, पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे से नहीं कर सकते। हमें तो आधा घंटा वेट करना पड़ा, आपका वेस्ट ना हो टाइम, इसलिए पहले बुक करके आना। तो चलो चलते हैं, जल्दी से भीड़ को गवारा करते हैं और एंट्री करते हैं, आ जाओ। तो गाइज यहाँ सामने से हमने एंट्री करी है और एंट्री करते ही सबसे पहले ये नीचे ये ट्रैक उतर रहा है, यहाँ से चलना है हमने और उसके बाद फिर और नीचे जाना है। तो गाइज फाइनली हो गई एंट्री, वेलकम, हैव अ नाइस डे। नाइस डे तो हमारा बन गया है ऑलरेडी टिकट लेने में और एंट्री करने में, अब आगे देखेंगे कितना नाइस है। तो गाइज जू में तो हमने एंटर कर लिया है, तो आप है ना ये क्या बोलेंगे इसे, बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल, इसमें भी आप ट्रैवल कर सकते हो, ये आपको पूरा जू दिखाएगा। इसके चार्जेज है 70 रुपीज़, पर हम यहाँ वो पैसे बचाएंगे और पैदल पैदल चलेंगे। तो चलो आ जाओ जल्दी से चलते हैं। पर यार देखो ना लाइन कितनी है, और ये देखो इवन लाइन कितनी लंबी है, ये इस बैटरी के लिए आपको 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। 1 घंटे में सोचो हम कितना किलोमीटर वॉक करते हैं। 1 घंटे में तो हम 2-3 चिड़ियाघर का करते हैं। आपको जो जो जानवर मिलेंगे उनके लिस्ट है, ये क्या लगता है तुम्हें मिलेंगे सारे? इनमें से मुझे पसंद है सारे। चलो देखते हैं कौन कौन से मिलेंगे, एक्चुअल में जो लिस्ट में लिखा वो मिलेंगे भी या नहीं। दिखा कुछ नेहा? बाकी पब्लिक यहाँ पे कुछ है शायद, देखते हैं। कुछ तो है यहाँ पे, है वो बैठा है, ये शायद वो होगा शेर, पूछ बंदर, आए दूर देख महान बंदर दिख गया, वो बैठा ना एक, एक बैठो पेड़ के। ये नेक्स्ट है होग डियर, होग डियर तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, वो बैठे, वो बैठे, और उस साइड भी काफी सारे बैठे, देखते हैं आगे। तो गाइज ये है गोर, गोर तो ये एक तरह से वो, ये बुल की तरह है ना, और बुल को बेचारा आराम से खड़ा है, वो एक सो रहा है अपने मजे से, एक पीछे बैठा है। तो चलो, तो गाइज नेक्स्ट हम चलेंगे, ये है जैकल, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पे छोटे छोटे केव टाइप बना रखे हैं, इनके अंदर से कुछ होगा। वो देखो गोरी ऊपर, वो जैकल बैठा आई थिंक, देखा जूम, ये बैठे जैकल मजे से बैठे थे, तो पता नहीं कहीं पे घूम फिर के आ रखे हैं ना, थक गए आके। नेक्स्ट है ये, इसका नाम है गीदड़, अच्छा गोल्डन जैकल गीदड़, वो बैठी पीछे आराम से, मजे एक इतना ज़्यादा घूम रही है, एक आराम से मज़े से बैठी है। चलो अब चलते हैं आगे, देखते और क्या क्या चीज़ें आ गए। एक केव हो रहा है वहाँ पे, वो इसको और देखते वो वाला लास्ट में, ये है बंगाल फोक, बंगाल की लोमड़ी, आई थिंक ये तो बंगाल की लोमड़ी है, ये बंगाली चली गई है, नहीं बैठी है वो कहीं भी दिखी एरिया में, तो बंगाल चली गई है, बंगाल वाले चिड़ियाघर में देखना भी चलते हैं। तो गाइज अब आप पहुंच गए हम राइनोसोरस के पास, ये रहा भारतीय गैंडा, देख लो दो बैठे हैं पानी में, लोटपोट हो रहे हैं, फुल मज़े कर रहे हैं, गर्मी के मज़े ले रहे हैं, पर देखो चल कितने आराम आराम से रहा है, जितना उसका वेट है ना वो हिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। और उसकी वो चमड़ी ऐसी लग रही है जैसे चिपका रखी है किसी चीज़ से ना। और इवन मैंने तो ये भी सुना है कि इसका जो स्वेट होता है ना पिंक कलर का होता है,
शायद मुझे लग रहा देखो पिंक पिंक नहीं लग रहा। आई एम राइट और नेहा तो ये कह रही थी उन्हें आज तक असलियत में देखा नहीं, फोटोज में देखा। मैं अपनी नीज को पढ़ाती हूँ ना एनिमल्स नेम, बस वहीं पे देखा आर फॉर डायनासोर। आ जाओ अब देखेंगे तोते और वो सब चीजें, रंग बिरंगे तोते। यहाँ तो तोतों का भंडार है। तोते नहीं है ये, मकाओ की लिखा है, ब्लू एंड येलो मकाओ है। अच्छा मैं हमें सोच रहा तोते ही नहीं मिलिट्री मकाओ, ये मिलिट्री मकाओ है। कहाँ है कहाँ है कहाँ है वो? आई थिंक मिशन पे गया है, मिशन पे गया है। और ये है बेयर आइड, बेयर आइड कोकेटू, कोकाटून। ये बैठा है वो बैठा वाइट कलर का, देखो बिल्कुल देखा वो तो हो रहा उड़ गया। ये तो वैसा है वाइट कबूतर जैसा। नेक्स्ट है ये अफ्रीकन ग्रे पैरट, ये तो दो दो बैठे हैं अफ्रीकन ग्रे पैरट है ना। अब इंटरेस्टिंग लग रहा है थोड़ा जू, या कुछ भी नहीं है। ये क्या है काला मुर्गा, वो बैठा वो बैठा, वो तो मिट्टी में मोल ले रहा है। और ये है खालिज मुर्गा, काला मुर्गा, ये काला ये गया हुआ है कहीं पे, ये बैठा है ना। नेक्स्ट है लेडी एम हेरेस्ट फीजेंट, नाम कहाँ कहाँ से ला रखे हैं इनके। ये आ गया भागा भागा, देख देखो चलो ओके टाटा बाय बाय। तो गाइज नेक्स्ट है रैप्टर, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। रैप्टर होता क्या है नेहा, पहली बार सुना है नाम मैंने भी। पर यहाँ पे ये है रैप्टर के लिए कूलर लगा रखा है, दिखा हाँ वो बैठा। ओहो अच्छा ये बैठा है, ये है ये देखते हैं ये क्या है, ये ग्रेट घुंगू कहाँ है। हाँ वो बैठा उल्लू है ना, कितना बड़ा। कितना खतरनाक लग रहा है देखना, ये तो घूम रहा है ना, कैसे बैठा है पता है, कैसे लग रहा है जैसे पुरानी टाइप की घड़ी नहीं होती थी उस टाइप का लग रहा है ये। और मुंडी भी घुमा ली, चलो आगे चलते हैं। और ये है घुग्गू, घुग्गू तो बैठा ही नहीं है, यही थे अब चलते हैं आगे आ जाओ। चलते चलते अच्छा ये वो है वाइट डियर है ना, लग तो ऐसा ही है। ये वाइट डियर है, कोई वाइट लाइन बोल रहा था हमें, नहीं नहीं वाइट डियर है ये, मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा, आपने देखा पहले कभी ना। आ जाओ अभी कुछ तो दिखा, कुछ दिखा ये नकली का, कुछ दिखा नकली का शेर, बस शायद आगे शायद असली दिख जाए। फाइनली शेर इज डियर, शेर कितना जबरदस्त है ना, बब्बर शेर। अब बाहर आएगा वो, वहां से आगे से बाहर आएगा, देखते वो आ गया फाइनली बाहर आ गया। शेरनी के पास गया है, हाँ ऊपर शेरनी बैठी है, ऊपर देखो शेरनी दिख गई, ऊपर शेरनी बैठी है बोरी, वो ऊपर देखो वो केव सा बना है उसके ऊपर कोने पे, वो शेरनी बैठी जबरदस्त। और अगर अभी ये वो करेगा ना, वो क्रॉलिंग करता है, और जबरदस्त लगेगा।
पर करेगा नहीं शायद ये है? ओहो हो रहा, अच्छा ऊपर जाएगा वो शेरनी के पास जा रहा है, चला गया। बैठ गए दोनों बैठ गए, चलो चलते हैं अब। तो गाइस नेक्स्ट एक और अमेजिंग चीज आ रही है, एलिफेंट आ जाओ, वो भी दो दो और वो भी बिल्कुल बाहर खड़े ओपन में, ये खड़े दोनों कितने मजे से खड़े हैं। और ये इनका स्विमिंग पूल और पीने का पानी वानी का बना रखा है, ये भी काफी बढ़िया है ना। दूर से तो ऐसे लग रहे थे जैसे वो सीमेंट के बने हुए हैं, क्योंकि स्टील खड़े हैं ना बिल्कुल, बट ये भी जबरदस्त है। और वो हाथी के दांत देख लो, जबरदस्त दांत, वो दांत है देखो, और बात व्हाइट कलर के। हाँ चलो अब चलते हैं और देखते हैं, अगर और कुछ अमेजिंग चीज दिखी तो देखते हैं। ये बैठा है हॉर्नबिल, हाँ मुझे भी लग रहा है स्टैचू, नहीं स्टैचू नहीं है, वर्किंग है। हाँ दूर से लग रहा था स्टैचू है बट वर्किंग है ये। पर बैठा कैसे ही है ना, बारिश के मुंह में हाथ देके देखो बंद करते नहीं करते। चलो चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट है मगरमच्छ, ये बैठा, ये मगरमच्छ देखो कैसे बैठा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई पत्थर पड़ा है। नेक्स्ट है यहाँ पे टाइगर और देखते हैं यहाँ पे अंदर की साइड, भीड़ तो काफी लगी हुई है। वो बैठा टाइगर, सोया हुआ है उधर, थक गया बेचारा, टाइम भी हो गया उसके सोने का 3:30। नेक्स्ट है जैगुआर, वो बैठा जैगुआर, वो भी सो रहा है आराम से मजे से। तो गाइज नेक्स्ट है ये कांटे वाला जानवर, इसे शेर भी डरता है, सोने लग रहा है वो, इसे कहते हैं जाऊ मूसा। हाँ हमारे हरियाणा में कहते हैं जाऊ मूसा ही। मेरे मामा के घर भी है ये, तो छोटा सा इतना सा। ये लेपर्ड रहा, लेपर्ड देखते हैं, ये रहा फैल के सोया हुआ है, ये वो ये तो पता कैसे लग रहा है, मैं सो रहा हूँ भाई, खेचते रहो जिसे खेच रही है। चलो आ जाओ चलते आगे। अब आ गया ओस्ट्रिच, वो देखो कितना बड़ा ओस्ट्रिच है, दिखा कितने बड़े बड़े पैर है उसकी, कितनी मुंडी है बड़ी, वो रहा कितना बड़ा है वो, भाई साहब वो यहीं पे आने लग रहा है, और दूर है ना मुंडी ना। हाँ लंबा कितना है वो, है ना पूरा पानी पी रहा है अभी तो वो, ये रहा ये बैठा। तो चलो चलते आ गया। फोन में छोटी दिखती है। तो गाइज आप यहाँ पे एक ये चीज़ भी देख सकते हो, नेशनल जूलॉजिकल पार्क एजुकेशन सेंटर फिल्म शो यहाँ से आगे जाके, बट हम नहीं देख रहे, हम जा रहे हैं वापसी, काफ़ी लेट हो चुके हैं, आप चाहो तो देख सकते हो, टाइमिंग है 3 बजे और 4 बजे। चलो चलते हैं आगे। तो गाइज फाइनली पूरा चिड़ियाघर घूम के आ गए हैं, और बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो हमने सही है कि पूरा देखा भी नहीं। हम नहीं पूरा तो देखा हमने मैक्सिमम, पर शुरू में थोड़ा बोरिंग हो गया जब हम हिरन देखते रहे। हाँ। और उसके बाद जब हमारी बैटरी खत्म हुई ना, फिर हमने सोचा अब चलते हैं वापसी। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे ब्रीड के हिरन सारे होते हैं ना। हाँ, ये बात तो फैक्ट की बात है। पर वापसी आते हुए जब हमारी बैटरी खत्म हुई ना, तो हमने सोचा अब कुछ नहीं देखेंगे, वापसी चलते हैं। पर फिर इंटरेस्टिंग चीजें आने चालू हो गई, एलिफेंट, लायन, व्हाइट जगुआर और ये वो सब चीजें, तो वो भी हमने देखी और आपने वीडियो में भी देख ली होगी।
तो अब चलते हैं वापसी डायरेक्ट घर, अब कहीं नहीं जाएंगे। और आज के ब्लॉग का यहीं पे करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, आपके लिए इतनी मेहनत की है तो सब्सक्राइब भी कर ही देना। बाय बाय।